लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार के 1.5 लाख शिक्षक सड़कों पर है, मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। TSS के लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ प्रदेश संयोजक अमित विक्रम है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके नेतृत्व में लोग यहाँ पर है, कहाँ कहाँ से शिक्षक आए हुए हैं? पूरे बिहार से, बिहार के सभी 3800 जिलों से शिक्षक यहाँ पर एकजुट हुए हैं। TET शिक्षक चाहे किसी भी जिले के हों, सब यहाँ पर एकजुट हैं और अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर एकजुट हैं। आप देख सकती हैं कि हमारा मांग बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में जो पैरा 78 में बातें कही गई हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, हम उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम सरकार से कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीश में कहा है, हम चाहते हैं कि उसे ही सरकार लागू कर दे। इसी को लेकर आज हमारा भिक्षाटन है। अभी हम लोग महावीर मंदिर के पास पिछले 2 घंटे से भिक्षाटन कर रहे हैं। आसपास के दुकानों में भी जाकर हमने भिक्षाटन किया है और यहाँ से हम लोग अभी डाक बंगला होते हुए, इनकम टैक्स नंबर होते हुए सचिवालय तक जाएंगे भिक्षाटन करते हुए। और जो धनराशि जमा होगी वो बिहार सरकार के अवर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग माननीय RK महाजन एवं शिक्षा मंत्री को हम लोग सुपुर्द करेंगे। क्योंकि ये थॉट क्यों आया दिमाग? ये थॉट इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में, सदन में ये भाषण दिया कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो उस पैसे की कमी को दूर करना हमारा दायित्व है। हम आम जन से और अपने भी पॉकेट से सहयोग करके भिक्षाटन करेंगे और उस राशि को सरकार को देंगे, ताकि सरकार के पास राशि का अभाव नहीं हो और बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो और जो शिक्षक योग्यता रखते हैं, TET जैसी कठिन परीक्षा पास किए हुए हैं, उनको उचित सम्मान मिले, सहायक शिक्षक का दर्जा मिले और राज्यकर्मी के समान उन्हें वेतन और सारी सुविधाएं मिले। चलिए, क्या लगता है इस अनोखे प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? ये अनोखे प्रदर्शन से जरूर फर्क पड़ना चाहिए, सरकार की नींद खुलनी चाहिए और सबसे अहम बात है कि इस प्रदर्शन में हमें जनता का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ सहानुभूति दर्शाई है और कहा है कि आप लोग योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, तो आपको उच्चतर वेतन मिलना चाहिए। और अगर इसके बावजूद सरकार नहीं मानी तो हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और 13 मार्च को सामूहिक मुंडन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, ताकि सरकार के कानों तक ये पहुँचे कि सरकार हमारी योग्यता को दरकिनार कर रही है, संवैधानिक मांगों का दरकिनार कर रही है। इसलिए हम लोग अगर आज नहीं मानती है तो 13 को सामूहिक मुंडन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। तो इस अनोखे प्रदर्शन के बाद 13 मार्च को भी एक प्रदर्शन होने वाला है, जैसा कि अमित ने बताया, सामूहिक मुंडन किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा अगर सरकार नहीं मानती है तो। अब देखना ये होगा कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या कुछ फर्क पड़ता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।